नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार से खुलने वाली ट्रेनों के बारे में, जिसकी कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसके कि रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे इन दिनों पटरियों पर खास करके ध्यान दे रहा है, जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी की जा सके, यात्री समय से अपने गंतव्य तक पहुँच सके। इसी कड़ी में लखनऊ रेलमंडल के अकबरपुर गोसाईगंज स्टेशन के बीच में दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें प्री एनआई का काम चल रहा है। इसको लेकर बिहार के कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पटना कोटा ट्रेन समेत 27 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। 28, 29 और 31 जुलाई के साथ साथ 4 अगस्त को 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस लखनऊ सुल्तानगंज जफराबाद के रास्ते अपने गंतव्य तक जाएगी। 29 जुलाई को खुलने वाली 15934 अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस लखनऊ सुल्तानगंज पैच लखनऊ सुल्तानपुर जफराबाद के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 30 जुलाई को खुलने वाली 19321 इंदौर पटना एक्सप्रेस लखनऊ सुल्तानपुर जफराबाद के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 13009 हावड़ा देहरादून दून एक्सप्रेस 4 अगस्त को वाराणसी जंघाई फाफामाऊ ऊंचाहार रायबरेली लखनऊ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 13307 धनबाद फिरोजाबाद गंगा सतलुज एक्सप्रेस, यह जो है वाराणसी जंघई फाफामाऊ ऊंचाहार रायबरेली लखनऊ के रास्ते अपने गंतव्य तक बढ़ेगी। 13010 ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस लखनऊ रायबरेली ऊंचाहार फाफामाऊ और वाराणसी के रास्ते जो है ये अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 13308 फिरोजाबाद धनबाद गंगा सतलुज एक्सप्रेस, इसका मार्ग जो बदला है यह लखनऊ रायबरेली ऊंचाहार फाफामाऊ वाराणसी के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। 27 जुलाई 1 अगस्त और 3 अगस्त को खुलने वाली 18103 टाटा अमृतसर एक्सप्रेस, यह जो है प्रतापगढ़ लखनऊ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 15636 गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस 1 अगस्त को वाराणसी प्रतापगढ़ लखनऊ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 15668 कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस 27 जुलाई और 3 अगस्त को बदले हुए मार्ग में वाराणसी प्रतापगढ़ लखनऊ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 18104 अमृतसर टाटा एक्सप्रेस 27 और 29 जुलाई के साथ 3 अगस्त को लखनऊ प्रतापगढ़ वाराणसी के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 15635 ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस 29 जुलाई को लखनऊ प्रतापगढ़ वाराणसी के रास्ते यह अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। 15667 गांधी धाम कामाख्या एक्सप्रेस 30 जुलाई को लखनऊ प्रतापगढ़ वाराणसी के रास्ते यह अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 14017 लखनऊ आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ और 28 जुलाई को से 4 अगस्त को लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी के रास्ते यह अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 14018 आनंद विहार रक्सौल एक्सप्रेस 27 जुलाई व 3 अगस्त को लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। 13483 मालदा टाउन दिल्ली लखनऊ जफराबाद सुल्तानपुर एक्सप्रेस 27, 29 और 31 जुलाई के बाद 2 अगस्त और 3 अगस्त को लखनऊ सुल्तानपुर जफराबाद के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 13484 दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस 28, 29 और 31 जुलाई के बाद 2 अगस्त 4 अगस्त को लखनऊ सुल्तानपुर जफराबाद के रास्ते अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। 13509 आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस मऊ गोरखपुर गोंडा के रास्ते 2 अगस्त को गोंडा गोरखपुर मऊ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। 13510 गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस 27 जुलाई व 3 अगस्त को गोंडा गोरखपुर मऊ के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 15715 किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस 29 व 31 जुलाई 2 अगस्त को छपरा गोरखपुर बाराबंकी के रास्ते अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। 09466 अमृतसर अहमदाबाद एक्सप्रेस 1 अगस्त को छपरा गोरखपुर बाराबंकी के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। इसके बाद जो है गरीब नवाज एक्सप्रेस 28 जुलाई 1 अगस्त 2 अगस्त 4 अगस्त को बाराबंकी गोरखपुर छपरा के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। 09465 अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन 27 जुलाई 29 जुलाई 31 जुलाई को जो है बाराबंकी गोरखपुर छपरा के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। वाराणसी और प्रयागराज रामबाग के बीच में जो है ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही साथ रेलवे की तरफ से यह भी बताया गया है कि 12333 हावड़ा प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस 30 जुलाई तक आंशिक समापन जो है वो वाराणसी रहेगा। वाराणसी और प्रयागराज रामबाग के बीच में जो है ट्रेनें यह
रद्द रहेगी। 12334 प्रयागराज रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ बनारस से होगा। प्रयागराज रामबाग और वाराणसी के बीच में यह विभूति एक्सप्रेस रद्द रहेगी। तो ये थे बिहार से खुलने वाली या फिर बिहार से गुजरने वाली उबे ट्रेनें, जिसका कि उत्तर प्रदेश या कह लें कि लखनऊ के आसपास पटरियों पर काम होने के कारण जो है उनके रूटों में बदलाव किया गया है। ऐसे में जब भी आप अगर इन ट्रेनों में यात्रा को लेकर विचार कर रहे हैं या फिर आपका टिकट है तो आप ज़रूर इस पे एक बार उसके रूट को देख लें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।